अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी होस्ट डॉक्टर निगहत महमूद आपसे एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हो रही हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ एक्यूप्रेशर के मुतालिक। ये सब एक्यूप्रेशर हमारे हैंड्स में होता है और हमारे फीट में है, हमारे ईयर्स में है, हमारे दिमाग में है, हमारी पूरी बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो होते हैं जैसे लोग एक्यूपंक्चर भी करते हैं, तो हम उंगलियों से अपने इन स्पेशल पॉइंट्स को प्रेस करेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हाथों में या आपके किसी ऑर्गन में या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में, अगर नींद नहीं आ रही या दर्द हो रही है या मेमोरी लॉस है, ये सारे पॉइंट्स आपके हाथ में, इनको भी आप दबाएंगी और आप देखिएगा कि कैसे आपकी लाइफ में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाथों से। ये देखिए हाथ है, ये अंगूठा है, ये जो बड़ा अंगूठा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये इसमें आपका सर है। अब ये जो सर है इसमें ब्रेन पावर है, तो जब सर में दर्द हो रही हो तो इसको आपने 30 दफ़ा ऐसे प्रेस करना है, बहुत प्यार से नहीं करना, ज़रा सख्ती से, ज़रा दबाना है और छोड़ना है, दबाना और छोड़ना है, इस तरह 30 दफ़ा करना है, दिन में 3 दफ़ा। इससे ये होगा कि अगर सर में दर्द है तो वो चला जाएगा। इसके बाद ये ग्लैंड्स हैं हमारे, जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स, एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, 7 एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं हमारे जिस्म में, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ। उसके बाद ये ग्लैंड्स हैं, इनका नाम है पीनियल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे यहाँ आँखों के भवों के बीच में है, ये बहुत ही सुपर है। इससे ये होता है कि आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बढ़ता है, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, और ये आप यहाँ प्रेस करें, ये मेमोरी का भी पॉइंट है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगी तो आपकी मेमोरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पहुँचे पीनियल ग्लैंड पे। ये पीनियल ग्लैंड जो है ये आपका जो स्पाइनल फ्लूइड है उसे कंट्रोल करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आती हैं आपके ये मेंटल नर्व्स, नर्व्स जो हैं, जो दिमाग की नर्व्स हैं आपकी। जब आप बहुत डिप्रेशन में जाते हैं तो आप इस पॉइंट को ज़रा ज़्यादा प्रेस किया करें इधर। फिर ये आपका आया नेक, नेक आया, अगर जैसे आपको स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है किसी को, या गर्दन जो हिल नहीं रही और बड़ी दर्द हो रही है, या क्रैम्प पड़ गया है, या बल आ गया, तो आपने गर्दन को ऐसे ऐसे करना है, इस तरह आपने ये हाथ ऐसे लेके और ये गर्दन का ये बिल्कुल जो थंब का आखिरी हिस्सा है इसको आपने ऐसे ऐसे रोल करना है। ये आप इस हाथ पे भी कर सकती हैं, दोनों हाथ पे एक ही पॉइंट्स हैं, सिर्फ लिवर और हार्ट का फ़र्क है, मगर ये पॉइंट्स आप इसको भी इस तरह मूव कर सकती हैं और इसको भी ऐसे मूव कर सकती हैं। ये है आपके गर्दन का हिस्सा, ये आपकी थ्रोट है। अगर गला ख़राब हो तो आपने इस वेब को दबाना है, इस वेब को, और इस वेब को 30 टाइम्स इसी तरह प्रेस एंड लीव, प्रेस एंड लीव, प्रेस एंड लीव, 30 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है, ये आपकी पीछे स्पाइन है, आपने ऐसे हाथ लेना है और यूँ पीछे लेके जाना है और ये प्रेस करेंगी आपको। स्पाइन का मतलब है ये पीठ में जो दर्दें होती हैं सबको, इस तरह आप प्रेस करें अपने पॉइंट्स को, तो ये आपकी स्पाइन है, पूरी स्पाइन इधर भी है और इधर भी है, इसी तरह आप इधर प्रेस करेंगी और ये सारी स्पाइन है। जहाँ दर्द हो उसे कहते हैं प्रेस द पेन आउट, पेन को बाहर निकालने के लिए एक दफ़ा तो बहुत ज़रूरी है कि सारे हाथ को आप दबाएं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि ये एक्यूप्रेशर ज़रूरी किस वास्ते होता है। आपने बहुत ख्याल से अपनी इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है कि आप इंजरी ना कर लें किसी अंदर से, किसी मसल या नर्व या टिश्यू को, बहुत प्यार से, बहुत सख्ती से नहीं, बहुत प्यार से दबाना है। ये जो नीचे का पॉइंट है अंडर द थंब, ये देखिए थंब के ये जो है ज़रा हैवी हैवी, ये इसको आप करेंगी, ये आपका थायराइड का है, थायराइड एंड पैराथायराइड, इसको जितना दबाएंगी, ये डिप्रेशन का पॉइंट है, ये आपके कई कई लोगों के गले इस तरह बाहर निकल आते हैं उसके लिए ये पॉइंट है। क्या मतलब है, डॉक्टर के पास भी जाना है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि सिर्फ इसी पे करें, ये भी इस्तेमाल करें रोज़मर्रा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर देखिए ये आपका है लिम्फ ग्लैंड्स, ये आपके जो है ये इधर ये लिम्फ ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे आप लिम्फ ग्लैंड्स को आप दबाएंगी इसी तरह दिन में 3 दफ़ा, 30 दफ़ा, चाहे इस तरह उंगलियों के साथ दबा लें, चाहे सिर्फ एक फिंगर के साथ, चाहे इस तरह दबा लें। तो ये लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं ये बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, बीमारी के साथ लड़ाई करती है, यानी कि इस लिम्फ ग्लैंड्स पे आ जाइए। ये जो है इसके नीचे आएंगी आप इस हिस्से पे, तो यहाँ पे आपका है पाइल्स का पॉइंट। अगर पाइल्स की बवासीर की तकलीफ़ है,
तो पाइल्स के दबाएं, इसको दबाएं तो उसकी बवासीर चली जाएगी, इस तरफ आ पाएंगी, ये नींद के पॉइंट है, इसको दबाएंगी तो नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर नींद जिसको नहीं आती, इसके ऊपर का जो पॉइंट है ये हिप्स का पॉइंट है, हिप्स और नीज, जिसके बहुत ज़्यादा जैसे सो रहे हैं हम पलंग पे और फिर एक ही साइड पे बहुत देर सोते रहें तो वहाँ दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो उस साइड के लिए ये बहुत अच्छे हैं कि हिप्स भी आपके दर्द नहीं करेंगे और नीज जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, यानी घुटने, घुटनों में अक्सर बड़े बूढ़े लोगों को दर्द हो जाती है, तो इस पॉइंट्स को आपने दबाना है। ऊपर जाएंगे तो ये ब्लैडर आ गया, इसमें भी ब्लैडर है, इसमें भी ब्लैडर है, तो इस ब्लैडर को दबाएं यहाँ से, अगर आपको तकलीफ़ होती है तो उसको दबाएं। फिर ये बड़ी आँत है, ज़रा सा ऊपर जाएंगे तो बड़ी आँत आ रही है, बड़ी आँत में और छोटी आँत में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों को खाना जो है उनकी बड़ी आँत या छोटी आँत में फंस जाता है, उसे कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, कोलन में फंस जाता है इस तरह करके, तो वो इसको अगर दबाते रहेंगे तो वो फ्री रहेगा, वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सूजन नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ बीच में किडनी है, जब सारे पॉइंट्स, बल्कि आप सारे आप जब प्रेस कर लें तो किडनी पे लास्ट किया करें, इससे टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, इससे जितनी शुगर है जिसम में, जो शुगर आपको तंग करी है, एक्सेस शुगर है, आपने इधर से प्रेस करना है, इसको इधर से प्रेस करें तो ये आपकी शुगर आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, मतलब है ब्लड शुगर, यूरिन शुगर जो भी है आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी शुगर। इसके ऊपर आपका जो है यहाँ पे लंग्स और थाइमस है, इसको आप दबाएंगे, थाइमस भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि जवानी तक बच्चों की यूजली 15 ईयर्स एज तक ये बहुत हेल्प आउट करता है, वैसे भी इम्यूनिटी आपकी डेवलप करता है, लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स के लिए इधर दबाइए। फिर आपके ये जो लेफ्ट हैंड है, इसमें यहाँ पे आपका हार्ट है, इस पर आप हार्ट भी है और शोल्डर भी है, इसको आप करें, अगर हार्ट में कोई दर्द हो रही है, कोई जकड़न हो रही है, कोई सांस फूल रहा है तो आप हार्ट के लिए यहाँ से दबाइए। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको बताने के लिए, जो मेरी इस हाथ में भी है, जो राइट हैंड में है, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फिर उसके बाद मिलेंगे। अब हम ब्रेक से वापस आए हैं। मैंने आपको मज़ीद और हाथों के मुतालिक बताना था, एक तो ये बताना था कि देखिए जैसे हमारे ये हमने बताया था लेफ्ट हैंड में आपका हार्ट होता है, तो जो राइट हैंड है इसमें आपका लिवर है, इस पॉइंट पे आपका शोल्डर है और लिवर है, तो लिवर के लिए आप दबाइएगा तो आपकी लिवर जो है लिवर ठीक हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर पर दबाइए, यहाँ पर सोजिश है या पथरी है वो निकल जाएगी आपकी इस तरह दबाने से। नीचे आएंगी तो यहाँ पे आपका अपेंडिसाइटिस है राइट हैंड में, ये अपेंडिसाइटिस का सिग्नल, यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के लिए अगर पेन हो रही है, नौजिया हो रही है, तो उस वक्त के लिए ये एक ब्रीदर्स हैं। एक्चुअली ब्रीदर्स का मतलब ये है कि पेन निकाल देंगे, मगर डॉक्टर के पास भी जाना ज़रूरी है, ये करने आप अपने यहाँ से दबाएँ तो इसमें से अपेंडिसाइटिस की पेन निकल जाएगी। इसी तरह नीचे आ जाए तो यहाँ से आपकी ये आपकी साइन है आपका हिप्स का और नीज का, ठीक है, इस हाथ में भी यही पॉइंट्स हैं। अब ये ऊपर चले जाते हैं, ये जो 1 2 3 4 आपकी उंगलियां ये, और 1 2 3 4 ये चार उंगलियां ये आपके साइनस के लिए बहुत अच्छा है, ये तो आपके साइनस जो आपके चीक्स में कंजेशन फंस जाती है, तो आपने इनको दबाना है, इनको दबाएंगी तो रिलीफ मिलेगा आपको, बहुत रिलीफ मिलेगा, इसको आप दबाएंगी तो साइनस आपको रिलीफ होगा। इसी तरह आपके दांतों के लिए भी ये चार चार उंगलियां, ये ऊपर के दांत और नीचे के दांत, ये लेफ्ट साइड के दांत हैं, यानी एक उंगली दो दांतों के लिए, और राइट साइड के लिए राइट दांत है, दो हर दो दांत के लिए एक उंगली, तो इसको आप प्रेस करें अपनी उंगलियों को, ऐसे प्रेस करें तो आपको फील होगा कि इनमें से एक उंगली की कोई नर्व है जो आपके दांत के साथ अटैच्ड है, तो जैसे आप ये दबाती जाएंगी वहाँ जिसमें आपको फील होगा कि अच्छा अरे ये मेरे ख्याल है कि ये शायद मुझे ठीक लग रहा है, तो आप इसको प्रेस करते रहें, ये फील हो रहा है कि नहीं यहाँ बेहतर महसूस होता था, या इन दोनों उंगलियों से फील हो रहा है तो दोनों को दबा दीजिए आप, तो 30-30 टाइम्स आपने हर उंगली को दबाना है। ये टीथ के लिए भी है आपके, ऊपर और नीचे के दांतों के लिए, डिफरेंट साइड्स, लेफ्ट के लेफ्ट साइड, राइट के राइट साइड के दांतों के लिए, साइनस के लिए बहुत सुपर हैं ये पॉइंट्स। फिर आपके ये स्ट्रेस पॉइंट है, आपने पहले हाथों को ऐसे कर लेना है, अब फिर अपने हाथों को ऐसे रख लेना है। अब ये जो राइट हैंड की उंगलियां हैं ये आपने प्रेस करनी है लेफ्ट हैंड के पाम पे ज़ोर से, और फिर लीव करें, फिर स्ट्रेस पॉइंट करें, फिर लीव करें,
जितना स्ट्रेस है दिमाग में, परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सब निकल जाएगी। और इसी तरह फिर ये लेफ्ट उंगलियों को ले जाएं, राइट बिहाइंड द पाम, ये देखिए ना, इसको आप इस तरह प्रेस करें और लीव करें, ये आपका स्ट्रेस पॉइंट्स है, रिलीज ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, वो निकल जाएगी। इसके अलावा ये देखिए, ये मेरे पास अखरोट है, ये 3 अखरोट है मेरे पास। ये अखरोट बहुत उम्दा होते हैं, अगर स्ट्रेस आपके पॉइंट्स जो हैं उन पे आप इनको ऐसे रोल किया करें, 3 अखरोटों को रोल करें। अगर बड़े बड़े हाथ हैं तो 3 फिट आ जाएंगे, अगर छोटे हैं तो 2 से रोल करें या 1 से रोल करें, ऐसे प्रेस करें, तो ये आपके प्रेशर पॉइंट्स को, पेन जो है इसमें वो ख़त्म हो जाएगी। इनको बहुत ज़रूरी है, अगर आपके किसी को पैरालिसिस हुआ है और उसके हाथ नहीं काम कर रहा है तो उसे चाहिए ये अखरोट जो हैं, ये एक्सेलेंट हैं। ये चाइनीज़ मेडिसिन में भी बहुत यूज़ होते हैं। इसको आप रोल किया करें अपने हाथों में, इस तरह करके रोल करें। नमक भी आप ले सकती हैं, नमक, और नमक के साथ आप करें रोल हाथों में, तो नमक से आपके हाथ अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर ड्राई फीलिंग आती है तो थोड़ी सी क्रीम पहले लगा लें, फिर आप रोल करें। फिर एक रबर बॉल भी लेके आप उसको इस तरह ऐसे दबाएं, उससे भी आपका प्रेशर पॉइंट्स दबेंगे और हाथ की एक्सरसाइज होगी। बकायदा हाथ खोलें बंद, खोलें बंद, इस तरह करें। फिर आटा गूंदें, आटा गूंदें तो ये आपकी रिस्ट पूरी काम कर रही है। देखिए ये मूवमेंट कितनी अच्छी है, ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है आपकी रिस्ट की ऊपर नीचे। इस तरह आप आटा ज़रूर गूंदा करें, कभी ना कभी तो जब मौका मिले तो ज़रूर आटा गूंदें, इस तरह करके। ये हाथों की एक्सरसाइजेस थी। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे चेहरे के ऊपर भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये जो सेंटर है इस पर आपने इसको सेंटर में एक उंगली रख के इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। इस पॉइंट को ऐसे आपने 8-10 मरतबा चलाना है इसको और फिर छोड़ देना है, तो ये आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन खुलेगा, मेमोरी आपकी तेज़ होगी। फिर ये आपने ब्यूटिफाई करने के लिए ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, या तो आप दो दो उंगलियाँ लेके इसको टैप कर लें, ऐसे टैप कर लें उंगलियों को, या आप सिर्फ उंगलियों को लेके आहिस्ता आहिस्ता चलाइए ऐसे, और फिर आप यहाँ इधर चली जाइए आँखों के ऊपर। ये आपकी आँखों को रिफ़्रेश करेंगे ये पॉइंट्स, कैटरैक्ट ठीक हो जाएगी। फिर साइड ऑफ द आइज़ हैं, इनको आप टैप भी कर सकते हैं इस तरह करके, और इनको आहिस्ता आहिस्ता रोल भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ स्पेशली आप इनको आहिस्ता आहिस्ता रोल करें, या बहुत सुकून सर्विस के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह टैप करें, आहिस्ता आहिस्ता। अपने लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी बोन है अंडर द आई, इस पर आप टैप करें, या आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रोल करें, या सिर्फ आप प्रेस एंड लीव करें। साइड ऑफ द नोज़ पे आ जाएं, इस तरह करें, इसको भी प्रेस करें। ये भी सब फेशियल मसल्स को रिलीज कर रहा है और ये फेस आपका बहुत फ्रेश हो जाएगा। साथ आप अपने ये अंडर द नोज़, ये भी एक आपका एक्यू प्रेशर पॉइंट है, इसको भी आप करें, टच करें, लीव इट। इसको अंडर द लिप्स, इसको भी टच करें एंड लीव इट अ फ्यू सेकेंड्स के लिए, टच करें, लीव करें। ये सारा चेहरा फ्रेश हो रहा है आपका। एक कानों के पास भी है, कानों के पास भी आप इस तरह टैप कर सकते हैं, या आपके गले के पास भी है, आपके कॉलर बोन पे, इस पर भी आप टैप कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके वो है पॉइंट्स हैं ऑन योर फेस विच रिलेटेड, आपका कॉम्बिनेशन बहुत होगा, चेहरा बहुत फ्रेश होगा, कॉन्सेंट्रेशन सुपर, मेमोरी सुपर, आपकी ब्रेन पावर सुपर, जो जो आपकी कमियां हैं वो सारी यहाँ से ठीक होगी। आँखों की, कानों की, जो जो आप फील करेंगे कि मेरे में ये कमी है, आँखों में कमी है, आँखें दिखाई नहीं दे रहा, कैटरैक्ट है या रेटिना डिजेनरेशन है, या जो भी प्रॉब्लम है, आँखें सूजी हुई हैं, दर्द हो रहा है, तो आप आँखों पे फोकस करके इनको आहिस्ता आहिस्ता दबाया करें, या इन पे टैप कर लिया करें, इस तरह करके टैप कर लिया करें, इस तरह टैप कर लें, इस तरह टैप। ये सारे आपके चेहरे के पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके हाथ के साथ कनेक्टेड है ये हार्ट। अगर आपको किसी को हार्ट अटैक किसी वक्त हो रहा है और वो बहुत पैनिक में चला गया है और उसको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूँ, तो ये जो छोटी उंगली है ये मेरिडियन है, एक इसमें नस होती है जिसे हम मेरिडियन कहते हैं, चैनल कहते हैं, ये हार्ट मेरिडियन के साथ कनेक्टेड है ये उंगली। तो आपने इसके साथ यहाँ से अपने हार्ट पे हाथ रखना है और इसको आहिस्ता से इस तरह करके, और ये छोटी उंगली है इस पर आपने टैप कर देना है इस तरह करके, तो जितना भार है हार्ट में वो आपको एकदम महसूस होगा, जैसे मैं बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। कोई हार्ट में जैसे जकड़ हो जाती है फीलिंग, चल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा और एकदम जकड़ाव की फीलिंग होती है, या आपको फीलिंग होती है दर्द हो रही है, या फीलिंग होती है कि बस मेरा दिल बंद हो रहा है, घुटन हो रही है, तो फौरन आप एक जगह बैठ जाइए
यहाँ हार्ट है, सेंटर ऑफ द बॉडी में से हार्ट को लेना है, यहाँ से लेना है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करना है, इधर तक आना है, यहाँ पे आके अपनी छोटी उंगली के ऊपर टैप इट, इस तरह टैप कर दें तो ये आपकी जितनी है गैसेस अगर हैं तो वो भी निकल जाएगी, बर्प आ जाएगा आपको, डकार आ जाएगा, और अगर कोई हार्ट में दर्द थी वो भी निकल जाएगी, तो दिस इज़ एक्सेलेंट फॉर द हार्ट। इसी तरह लंग्स में अगर कोई तकलीफ हो रही है एंड आपको नहीं पता चल रहा कि मैं अब क्या करूं, तो इसी तरह हाथ सीधा रखें और यहाँ से उठाएं और टेक इट आउट टू योर लंग्स एंड टैप ओवर योर थंब, थंब के ऊपर टैप करें, अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे टैप करें इस तरह, तो ये आपकी जितनी लंग में तकलीफ थी या भारपना है या फीलिंग ऑफ हैवीनेस है या इन्फ्लेमेशन है या दर्द है, ये आप यहाँ से निकालें, टेक इट आउट और यहाँ पे रिलीज़ करें इसको, तो ये आपका इस तरह, ये बहुत अच्छा तरीका है रिलीज़ करने का अपना लंग्स का और आपके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कान का प्रॉब्लम है। अगर कान में आपको जैसे भूख बहुत लगती है, खाने को बहुत जी चाहता है आपका, खाने के जब आता है तो आपसे रिजिस्ट नहीं किया जाता कि ओ मेरे फेवरेट मीठे चावल पड़े पके हैं, या ओहो वाह वाह मुर्ग बिरयान पकी है ये तो मैंने ज़रूर खाने, ये नान कबाब आ गए, तो उससे पहले कानों के ये तीन पॉइंट्स हैं हड्डी के, इसको आप दबाएंगी, ये देखिए 1, 2 और 3, ये 7 पॉइंट्स हैं करीब करीब है, ये आप जैसे जैसे ये दबाएंगे तो ये आपके हड्डी के खाने की भूख ख़त्म हो जाएगी आपको, जो आपने वो मुर्ग बिरयान खाना था वो थोड़ा सा आप हाथ रोक के खाएंगे, तो आप नोट करेंगे कि आपकी जो भूख है उसमें ज़रा कमी आ जाएगी। एक पानी का ग्लास भी पी लीजिए, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके पानी पिए, 3 दफ़ा पिए और फिर आप ये कान के 3 पॉइंट्स को दबाएं। जब आप ये तीन, सिर्फ हड्डी के ये 3 पॉइंट्स हैं इनको दबाना है और सारे कान को नहीं दबाना, सिर्फ ये दबाना है। अगर आप नोट करेंगे ये जो कान है ये देखिए इट्स लाइक अ बेबी, ये आपका सर है और ये आपके लेग्स हैं, तो जब सर में दर्द हो तो कान के इस हिस्से को दबाइए, इस हिस्से को दबाना है। और इसी तरह अगर कोई आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट हो, उनका ब्रेन पावर बहुत अच्छा हो, तो वो कानों को खींचे, दोनों कानों को यक बयक वक्त खींचे, ऐसे खींचे, खींचेंगे तो उनके ब्रेन पावर इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत ज़ोर से नहीं खींचना कि वो लंबे ही हो जाए, मगर हल्के हल्के खींचना है कि आपका कान ठीक रहे। इसी तरह अगर कोई टांग वांग में दर्द है तो आप यहाँ दबाइए, कोई नीज़ में दर्द है तो ऊपर इधर दबाइए, तो ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। एक्यूपंक्चर की नीडल्स भी इधर लगती हैं कान में, दर्द आपको इधर हो रही है नीज़ में, नीडल लगेगी कान में तो पता चलेगा कि जितनी दर्द थी यहाँ घुटने की वो चली गई अगर आपने यहाँ दबा लिया, बिकॉज दिस इज़ एसोसिएटेड विद आपकी नीज़ के साथ, आपकी टांगों के साथ, आपने इधर दबाना है, तो आपकी नीज़ की अगर सूजन है, तेते सूज गए वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे, मगर ये प्रेस करने से बेहतर है। अब सुइयों से तो बेहतर है ना कि सुइयाँ हम खामखा चुबाएँ अपने आप को, तो हम उंगलियों से करें, इसे एक्यूप्रेशर भी कहते हैं, हेल्थ इन योर हैंड्स भी कहते हैं, प्रेस द पेन आउट भी कहते हैं। तो ये तो अब सब चीज़ें मैंने आपको बताई आपकी बॉडी पार्ट्स के साथ रिलेटेड, इसके साथ पैरों के साथ भी है, मगर अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, उसके बाद मैं वापस आके मज़ीद आपको बताऊँगी। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं ब्रेक से, अब मैं आपको मज़ीद और कुछ बताना चाहूँगी। पहले तो मैंने आपको चेहरे का, हाथों का, कानों का बताया, अब मेरे पास और पॉइंट्स हैं जो आपके पैरों के साथ कंसर्न्ड है। जितने पॉइंट्स हमारे हाथों में हैं उतने ही पॉइंट्स हमारे पैरों में हैं, पैरों में भी सारी बॉडी है, तो आप जब मसाज करवाया करें अपनी मेड से या किसी से, दो हाथों के साथ इस तरह, दो हाथों के साथ, दो उंगलियों के साथ ऐसे मसाज करवाया करें, ऐसे चलाया करें हाथों को। ये देखिए मेरे पास ये मैंने बनवाया हुआ है, ये चाइना से आया है बेसिकली, ये एक रोलर है, 3 किस्म के रोलर्स हैं, ये आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इनको ऐसे ऐसे करें तो ये प्रेशर पॉइंट्स आपके सारे दब रहे हैं, और इनको आप पैरों के नीचे रखें, पैरों के नीचे रखिए, आप देखिए मैंने रख लिया, अब इनको मैं अपने पैरों को रोल कर रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून आ रहा है। तो जहाँ 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 यूरिक एसिड जमा हो जाता है एंड ऑफ द हील पे, वहाँ पे आप इसको रखें। अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे शाइटिका की पेन बहुत ज़्यादा है, शाइटिका अक्सर लोगों को हो जाती है, इधर पीठ पे इधर स्टार्ट होती है, वो पूरी टांग में नीचे तक आती है, तो एंड जो करता है तो वो ये हिस्सा है, ये पैर का ये हिस्सा है, आपने इसको
इस तरह दबाना है, साइड पकड़ के ऐसे दबाएंगी दोनों अंगूठे के। मगर वो ये है कि 30 टाइम्स दबाना है आपने ऐसे, 1, 2, 3, 4 इस तरह दबाना है, और फिर आपने उसको छोड़ देना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 करके फिर छोड़ देना है। तो इस तरह आपकी पेन आपकी चली जाएगी। और ये जो रोलर में जिस पे मैंने पैर अभी रखे हुए हैं, ये मेरे अपने सारे फीट के सारे पॉइंट्स पे जा रहा है, हर प्रेशर पॉइंट को वो प्रेस कर रहा है। अच्छा, आप टोज जो हैं, टोज़ को आप दबाइए इस तरह। ये आपके जो टोज़ हैं ये आपके ईयर्स के साथ रिलेटेड है, इसको आप खूब दबाइए। ये जो ऊपर के हैं ये भी आपके आपके साइनस के साथ और आपके वो उसके साथ हैं, दांतों के साथ। मगर क्योंकि ये ऐसी जगह पे हैं इसलिए आप उंगलियों को यूज़ कर लेते हैं। वैसे दिस इज़ वेरी गुड, अगर कोई दबा रहा हो, आपको दबाने वाला हो, तो आप टोज को ज़रूर दबवाएं। और इसी तरह ये छोटी उंगली और ये जो है बीच में थर्ड फिंगर, इसको भी दबाएं, इससे ये आपके आइज़ बेहतर होंगी। और इसी तरह ये आपका लंग का पॉइंट है, यहाँ पे जो हिस्सा है ये अंदर का, ये आपकी है ब्रेन, स्पाइनल कॉलम। तो यहाँ पे ब्रेन इधर है, स्पाइनल कॉलम इधर है, इसके नीचे यहाँ पे आपका लिवर है, लिवर को दबाएं आप इस तरह करके। और कड़ाके भी निकाल लें, मगर ज़्यादा कड़ाके नहीं निकालने, नहीं तो वो डबल जॉइंट्स हो जाती है, उंगलियाँ जो है ना ऐसे टेढ़ी सी हो जाती हैं। तो आपने इस तरह इसको रोल करना है। ये जो है ये हार्ट का पॉइंट है, ये बिकॉज दिस इज़ द लेफ्ट साइड, तो हार्ट इस तरफ लेफ्ट पे होती है, इस तरफ आपने हार्ट के लिए दबाना है। किडनी बीच में है, सारे पॉइंट्स जितने मैंने आपको हाथों के बताए थे सब आपके पैरों में। तो इस तरह दिन में 2-3 दफ़ा ज़रूर करें, मतलब डू इट अबाउट 30 टाइम्स जस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 minutes। अब मैं एक और आपको एक नए रोलर के मुतालिक बताती हूँ। ये देखिए मैंने घर पे ही बनवाया, आप भी ऐसा बनवा सकते हैं। ये जब भी रोल करें ना तो ज़रा सा तेल लगा लिया करें पैरों में स्पेशली, क्योंकि फिर रोल बहुत आसानी से होगा। अगर आपके पास रोलर नहीं है तो पहले कोका कोला की बॉटल्स आती थी, उन पे भी ऐसे होते थे, लाइंस लगी होती थी, वो कोई लाइंड बॉटल ले लें उसके ऊपर रोल कर लें, पर रोलर्स आर द बेस्ट। मगर इसको फर्श के ऊपर रख के रोल नहीं करना, इसको आपने कालीन पे रोल करना है, तो फिर इसके ये ग्रूव्स नहीं ख़राब होंगे। और इसको फिर आप जब रोल करेंगे, हाथों के लिए नहीं है ये सिर्फ आपके पैरों के लिए। इसी तरह आप पैरों के नीचे इसको रखें और आप इसके ऊपर अपने पैरों को हिलाएं, तो आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो दब रहे हैं, हर कोना दब रहे हैं, हर तरफ से जितने प्रेशर पॉइंट्स आपके हार्ट में थे, इधर इस राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, यही प्रेशर पॉइंट्स आपके राइट टो, लेफ्ट टो में, राइट फुट, लेफ्ट फुट में है। तो इसी तरह आप इसको यूज़ करें और सोच लें कि अच्छा मुझे अब कोई दबाने वाला तो मिल नहीं रहा, तो चलो मैं खुद ही अपना रोलर रख के और दबा लूँ। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर फीट। इसके अलावा आई वुड लाइक टू शेयर कि देखिए कभी कभी ऐसे होता है कि अब जैसे मैं यहाँ आपको चेहरे का बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे प्रेस करें, हो सकता है आपका जीना चाह रहा हो या आपका बच्चा बीमार है, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं कर सकती प्रेस, तो आप लाइटली जस्ट टैप, लाइटली टैप टैप कर लें, इस तरह करके टैप कर लें, बहुत स्लोली स्लोली टैप कर लें, आहिस्ता आहिस्ता टैप कर लें सिर्फ, कि किसी को तकलीफ़ ना हो। ये बहुत सुपर पॉइंट्स हैं, ये आप नाक के पास भी टैप कर सकती हैं, लिप्स के पास भी टैप्स कर सकती हैं इनको। यहाँ से सारा पूरा चेहरा आपका खूबसूरत बन रहा है, ये पूरा अपने यहाँ करेंगी, कान के पास भी पॉइंट्स हैं, इधर भी आप टैप करेंगी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे चेहरे के लिए टैप करेंगी, तो चेहरा बहुत आपका फ्रेश हो जाएगा। और एक सुपर एक्सेलेंट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं रीजुविनेशन पॉइंट। ये जो ज़रा बड़ी उम्र के लोग हैं या थोड़े से लेज़ी हो गए और प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई काम नहीं करते, सारा वक्त सोफे पे ही बैठे कोई काम नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ से रिस्ट से लेके अपने एल्बो का ये जो पॉइंट है, आप इसको मेजर करें, ये जो एल्बो का पॉइंट है इसको लें और इसको लें, इसको मेजर कर लें, चाहे आप धागे से मेजर कर लें, चाहे मेजरिंग टेप से कर लें, और फिर जो बीच वाला धागे का बीच वाला हिस्सा होगा वो अगर आप यहाँ बन रहा है तो आपने इसको प्रेस आउट करना है, इस तरह प्रेस करना है लीव, यहाँ हल्की हल्की दर्द महसूस होगी आपको। ये आप जितना प्रेस आउट करेंगे, प्रेस द पेन आउट 30 दफ़ा उसी तरह, ज़रा बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, मीडियम प्रेशर के साथ, तो ये आपके यहाँ से एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी, आपके नए सेल्स बनेंगे, पूरी रिजुविनेशन हो जाएगी, चेहरा खूब फ्रेश हो जाएगा, आप खूब हशाश बशाश, खूब हंसेंगे, भाग भाग के काम करेंगे। मेक योर सेल्फ लाइवली एंड हैप्पी बाई जस्ट प्रेसिंग द पेन आउट, यहाँ से पेन को प्रेस आउट करें। तो ये सुपर पॉइंट्स हैं हमारे जिस्म में,
और ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स थे सारे, हैंड्स आपके जो है हेल्थ इन योर हैंड्स, प्रेस द पेन आउट, दिस इज सुपर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर निगत महमूद को इजाज़त दें अपनी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।